मैं साइड में बीच में से ले लो। Happy birthday, Gola! आप है ना इनके साथ चले जाओ, पहला भी है ना के साथ। चलो भाई और ये देखो करण भाई, मैं किधर पकड़ेगा? आप मैडम बोल रहे हो? मैडम वाले को तो थोड़ा अच्छा नाम है। मैम इज कम। नो नो इट्स ओके, लेट इट गो। ओके सो आज गोला का पहला बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहोगे बर्थडे के लेके? कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आज का? हमारा एक ही लक्ष्य है, उसको इतनी सारी झप्पियाँ और किचियाँ देना ना, सच में के गाल लाल हो जाए। I remember जब बात थी एक्सपेक्टिंग थी, किसी हमें पहले बताया था, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू नो, और बेबी को घर देखने आई थी और वो भी कह रही मुझे ऐसी गोलू लड़की चाहिए। तो भाई तो भाई ना, और भारती सेड कि उसको एक फिर से माँ बनना है। You know that, right? What? Yeah, that's good. हाँ, मैंने भी सुना है इंटरव्यू में कि she wants to become a mother again. She wants a girl. I think she wants a girl. She उन्हें पहले एक लड़की चाहिए थी, वो लड़का हो गया, बोले कोई बात नहीं ठीक है। कैसे कैसे नहीं पास से कैसे पलट गए ना, लड़का हो गया कोई बात नहीं, नहीं तो पहले ऐसे हुआ करता था, अरे लड़की हुई है कोई बात नहीं, यू नो इट्स ओके, फिर से ट्राई करना। बट अगर कुछ अगर टिप देना हो, क्योंकि आप तो काफ़ी सारी टिप दे सकते हो। मैं तो भाई मैं ना इस पर एक PhD मैंने बगैर पढ़े कर ली है कि बच्चे कैसे पैदा करना। एक टिप हम देंगे कि यू नो मतलब काम तो आता ही रहेगा, ये टाइम जितना स्पेंड कर सकते बच्चों के साथ स्पेंड करो, क्योंकि बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। We've been through it twice already. अभी जो अभी 6 साल के हुए, we miss them being little. और हम we are so thankful that you know, एक, हमें दोबारा एक मौका मिला with a little baby to एक tip ये देना चाहूँगा। हम लोग अभी बैंगलोर गए थे, बैंगलोर आश्रम, ओके श्री रविशंकर जी के आश्रम में गए थे, और हम हमारे दोनों बच्चों को लेकर गए थे। ऑफकोर्स जिया बहुत छोटी है, उसको नहीं देख रहे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को है ना ऐसी जगहों पर लेकर जाओ। रिलीजियस प्लेसेज एंड ऑल आर फाइन, यू नो एक वो अलग ही वाइब्रेशन है। देख जैसे आश्रम्स होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स होती है, anywhere where they can pray and feel a connection to God. उन्होंने इतनी 6 साल की उम्र में they learn how to meditate. You know that's very very important for the kids. We loved it. हम लोग तो मतलब बहुत सारे courses हैं, तो हमें लगा कि इन लोग को अभी से आप जोड़ दो स्पिरिचुअलिटी में, तो बड़े होकर फ्यूचर बनेंगे हमारे पूरी कंट्री के। करण आने वाले समय में क्या कुछ नया आने वाला आपकी तरफ से? बहुत गाने, इनफैक्ट आपने गाने का नाम लिया तो एक गाना आने वाला है, और क्या सरप्राइज होगा वो मैं आपको अभी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बहुत ही कमाल होने वाला। आप हमेशा सरप्राइज देते हो, क्या करो यार, पूनम पांडे के सरप्राइज है, ब्रिलियंट सॉन्ग था। अगर ऐसा ही कुछ मिले जिसमें एक अच्छा मैसेज भी हो, वो सब आज माहौल अलग है, आज पार्टी का माहौल है, बट एक गाने से ही रिलेटेड है, सो वेरी सून बाय दिस अप्रैल ओनली विल गिव यू द रिवीलिंग न्यूज़। करण लॉकअप 2 का काफी सारा जिक्र हो रहा है, कुछ अगर आप बताना चाहोगे? यार मेरे मैसेजेस और मेरे फोन, मेरे व्हाट्सएप लॉकअप 2 से नहीं, बिग बॉस डिजिटल OTT से भर गए हैं, मैं रियली, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको वहाँ पे धकेल दो रियली। करण यू डिड बिग बॉस, यू डिड OTT, सॉरी लॉकअप, OTT को एक्सप्लोर करना चाहोगे? क्योंकि आपका हमेशा गेम बहुत अच्छा रहता है, आई हैव सीन बोथ द गेम, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? Sure, I don't why know, not? You know, why not? अभी तो experience हो चुका है। मैं वही सोच रहा हूँ क्या बचा है। हाँ नहीं, but फिर भी OTT भी try करनी चाहिए। You should try everything. अलग experience। Yeah, you should try everything. Okay, जैसा भी हो। Lockup was terrific. Lockup was fantastic. So ठीक है, अगर OTT होगा बिग बॉस देखेंगे। But करण की एक चीज अच्छी है, जहाँ भी जाते बिग बॉस के घर पे एक अलग family थी, lockup के घर पे एक अलग family थी, जो बिग बॉस में relation इनका श्रीशान के साथ था, काफी अच्छा लगता है। नहीं, अब वो एक चीज रियलाइज,
इनकी एक बहुत अच्छी आई डोंट नो आदत है, हैबिट है और नेचर है, बीच में बोलता है। हाँ ये भी है जो बोलता रहता है ये बीच में जो सब लोगों को एक को इनको पता कैसे अपनाना है सबको, चाहे लोग कुछ भी किसी के बारे में बोलो, इनका दिल इतना बड़ा है दैट ही मेक्स एवरीवन हिज ओन। एंड आई थिंक कोई भी जो चाहे बिग बॉस लॉकअप ऐसे शोज हो, दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव। फाइट करो जब फाइट करने का ज़रूरी होता है, बट ऑल्सो हैव अ बिग इनफ हार्ट कि सबको अंडरस्टैंड करो कि क्या फील करते होंगे वो। यस थैंक यू। एंड बाहर से इनका भी सपोर्ट हमेशा रहता है, इनका तो हमेशा रहता है, इसलिए मुझे इस बार ये अंदर जाए बाहर से मैं सपोर्ट करूं। मैं खेल चुकी हूं बाहर से, खेल चुकी हूं। काम करते दोनों चले क्या? हां यस हां गुड आईडिया, दोनों चलते। अरे हां छुट्टी लेंगे, छुट्टी लेंगे, ले जाओ ओटीटी में दोनों को ले जाओ प्लीज। बच्चे मम्मी को फोन लगाओ, बच्चों को गुरुजी के आश्रम में छोड़ देंगे। हां गुरुजी संभालेंगे, वो संभाल लेंगे। ग्रेट आईडिया, ग्रेट आईडिया। ये आई सर, ये मुझे एक्साइट कर दिया। मैं संभाल Thank you.